اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا लकबरू सिम आता कबी रौकल्ला ख़वातिन आज हमारे प्रजेंटेशन का उन्नीसवा दिन है और आज उन्नीसवें पारे का खुलासा बयान किया जाएगा जिसमें तीन सूरतें आती हैं सूर्य का बक़िया हिस्सा सूरह शौरा और सूर्य नमल यहां से नया ग्रुप शुरू होता है जिसमें प्रॉफिट हुड आइडिया ऑफ प्रॉफिट हुड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट हुड मिशन ऑफ मैसेंजर्स वाइटी एंड कैटेगरीज ऑफ प्रॉफिट्स ये और इस तरह के मौजूद पर इस ग्रुप की सूरतें बहस करती हैं पहली सूरत सुरह फरकान इसमें बुनियादी बातें कि रसूल कौन होता है आम लोगों को ये अछंबा होता है कि इंसानों ही में से रसूल क्यों आ गया उनका ख्याल होता है कि रसूल कोई ऐसी हस्ती हो जिसके पास माफोखुद तबई कु हों मेटाफिज़िकल पावर्स हो छंतर की सलाहियतें हों इस्लाम ये नहीं चाहता इस्लाम लोगों की अकलों को माऊफ़ करके कायल नहीं करना चाहता इस्लाम चाहता है कि लोग अपनी आँखें खुली रखें कान खुले रखें अक़ल से गौर वफिक करें इस दलाल को समझें और इस्लाम कबूल करें तो इस सिलसिले में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट हुड वाली ये सूरत है इसमें मैंने कल पाँच बातों का तस्करा किया नंबर एक ये है कि आप सल्ला वम ने नौज़बिल्ला इस कलाम को घड़ लिया दूसरा ये कि ये अगलों का फसाना है नंबर तीन रसूल ऐसा कैसे कि वो खाना भी खाता है और बाजार में चलता फिरता भी है नंबर चार रसूल ऐसा क्यों कि उसके साथ कोई फ़रिश्ता नहीं है जो कोड़ा लेकर आगे पीछे चले और लोगों पर उसका रोब छा जाए नंबर पाँच रसूल ऐसा हो जिसके सामने बेपनाह दौलत हो और खजाने हो। नंबर छः ये कि आप अलैहि वसल्लम के बारे में शहर की वजह से आप इस तरह की बातें करते हैं आज मज़ीद कुछ और एतराजा का तस्करा किया और बताया कि प्रॉफिट ठुट किया है उनमें से एक ये कहा गया कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते फरिश्तों का नज़ोल होना चाहिए हम भी देखें फरिश्ते आते जाते चलते फिरते हुए अल्लाह ताला ने बारहा कहा कि फरिश्ते आते नहीं जब आते ही तो अजाब लेकर आते हैं नंबर नौ कहा गया कि हम नाऊद बिल्ला अपनी आँखों से रब को देखना चाहते हैं कुरान बताता है कि अल्लाह ताला को निगाहें पा नहीं सकती हज़रत मूसा ने भी इसकी ख्वाहिश की लेकिन वह बेहोश हो गए के दरमियान ये पेचीदा फ़लसफियान बहस है कि क़्यामत के दिन भी क्या हम अल्लाह ताला को उसकी अपनी शक्ल और ज़ात की हसतिय से देखेंगे या उसका जलवा देखेंगे ये मबाहिस पाए जाते हैं तो बहरहाल ये मुतालबा था रसूल से कि तुम रसूल हो तो दिखाओ खुदा को जिससे तुम बात करते हो या जो तुमसे बात करता है और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जिस दिन हम फरिश्ते नाजिल कर देंगे ये भागेंगे हटो बचो पनाह कहाँ है तलाश करेंगे वो अजाब का दिन होगा रसूल जो कलाम ले आया है वो बहुत ही मुस्तहकम मुदल्लल कलाम है और जिन लोगों ने इस कलाम की नाकदरी की खा हाँ वो मक्के के ज़माने के मुशरिकीन हो और कभी इस आयत को पढ़ते हुए डर लगता है कि कहीं हम इसके ज़ुमरे में न आ जाएं कि कि़्यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और शिकवा करेंगे वक़ाल रसूलो रब्बी इन कौमी तखज़ वाजल क़ुरआन महजूरा बार इला मेरी कौम ने इस क़ुरान को पसे पुष्ट डाल दिया मेरी कौम ने किताब की नाकदरी की हज़रात ये एतराज़ या ये शिकायत मेरे और आपके खिलाफ हो जाए अल्लाह की पनाह हजार बार अल्लाह की पनाह क्या हमारे पास उजुर रह जाएगा क्या अल्लाह ताला को जवाब दे सकें कि इस कुरान की नाकदरी करने वालों के ख़िलाफ़ नबी सलील वम मुकदमा दायर करेंगे और इतना प्यारा कलाम इतना अजीम कलाम देने के बावजूद लोगों ने उसकी कदर नहीं की कहा कि सब रसूलों के साथ ऐसा ही हुआ है लोगों ने इतराज़ किया और मुनकरीन पर आखिरकार अल्लाह ताला का अजाब आ गया मस्करापन करते थे इसका भी ज़िक्र आया दसवें नंबर पर अल्लाह ताला ने बताया कि आपने यानि रसूलुल्लाह से लोगों का ये मुतालबा था कि आप एक मुश्त कुरान क्यों नहीं लाकर दे देते कहा मेरे अल्लाह ताला की तरफ से यही हुक्म है मशीयत है ये थोड़ा थोड़ा इसलिए नाजिल किया जाता है ताकि हिफ्स करने में आसानी हो और दिल में जमने के लिए आसानी हो अमल के लिए आसानी हो और जैसे जैसे तहरीक इस्लामी की दावत आगे बढ़ती है और जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे मेरा रब मेरी रहनुमाई करता है ग्यारहवें नंबर पर कहा मस्खरापन करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर और कहते कि अजी ये साहब यही हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो बड़ा बड़ा फ़लसफ़ा बघारते हैं ये सब कहा जाता था अल्लाह ताला ने कहा है ए रसूल आप इतमान रखिए एक दिन आएगा कि जब इनको जानवरों को जिस तरह चरागाह की तरफ या जानवरों को जिस तरह बोचर खाने की तरफ हाँक कर ले जाया जाता है एक दिन कुरान का रसूल का मजाक उड़ाने वालों को जहन्नम की तरफ हाँक कर ले जाया जाएगा ये कुरान दलाइल और से भरपूर है मगर क्या करें उन लोगों का जिन्होंने खुदा को खुदा मानने के बजाय अपने नफ्स को खुदा बना लिया रई तमन तज़ा इला हवाह जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफ्स ही को इलाह बना लिया रहनुमा बना लिया गाइड बना लिया मेंटर बना लिया आज की दुनिया का यही हाल है कि सारी कानून साधी ख्वाहिशात की बुनियाद पर होती है इंसान क्या चाहता है शराब भी हलाल है जुआ भी हलाल है जिना की बात शक्लें भी हलाल हैं होमोसेक्सुअलिटी भी हलाल है ये सब ख़्वाहिशात नफ्स को खुदा बना लेने का नतीजा हुआ उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि लोग अगर गौर करते तो रसूल की दावत को समझने के लिए सूरज चांद सितारे रात और दिन हवाएं बारिश दो समंदर को जो उसने मिला रखा है और इंसान को जिस तरह से पानी की बूंद से पैदा किया फिर उसकी दो नस्ते बना दी ददियाली रिश्ता और ननियाली रिश्ता ये सब देखने के लिए काफ़ी था रसूल का सबसे बड़ा टूल जो काम करता है रसूल वो अल्लाह ताला का कलाम है इसलिए अल्लाह तबरक ताली ने नबी अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पर फ़रमाया कि वह जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा इस कुरान को लेकर ए रसूल आप लोगों के दरमियान जिहाद कीजिए आखिर में वह वा अबादुररहमान वाली आयतें आती हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनका तस्करा हुआ और उनके ग्यारह सिफ़ात का जिक्र आया कारी तैयब साहब रहमत लाई की एक किताब है इस मौजू पर उन्होंने बताया कि ये साहबा कराम रिजवानल तजमीन की तस्वीर वीर है जो पेश की गई है लेकिन आज हम में से हर फर्द ऐसा हो गया है कि जहाँ देखो जिसे देखो चुभता है कांटे की तरह शख्सियत को तराशते और ट्रिम करने की जरूरत है इन आयतों की रोशनी में कहाँ के मोमिन वो होते हैं जिनकी चाल ढाल बहुत महजब होती है मोमिन के किल कल बोलना और बात करने का अंदाज़ बहुत प्यारा होता है मोमिन रात का राहिब होता है और दिन में वो अल्लाह के दीन के लिए काम करता है इनफाक़ करता है तो अतदाल के साथ खर्च करता है ना बहुत ज़्यादा कुशादा दस्त होता है और ना ही अपने हाथ को टाइट करता है नंबर पाँच वो शिरक़ से इजतनाब करता है नंबर छः अल्लाह का जो बंदा होता है वह इबादर रहमान अल्लाह के बंदे जो होते हैं कतल नफ़ से मुशतनब होते हैं और तौबा करते हैं नंबर सात वह जना से परहेज़ करते हैं नंबर आठ संजीदा बातें करते हैं और बेल गुफ्तु नहीं करते नंबर नौ किसी गलत लोगों से गलत मजमे से पाला पड़ जाए तो शराफत के साथ गुजर जाते हैं नंबर दस कुरान में वो तदब्बर करते हैं नंबर ग्यारह अहल आयाल की आखिबत की उन्हें फिक्र होती है उनको जहन्नम की आग से बचाने के लिए काम करते हैं हज़रत इस पर ग़ौर करें ये ग्यारह जो सिफात हैं कुरान पर गौर फिक्र करना तदब्बर करना अपनी ज़ुबान को दुरुस्त रखना अपने चाल चलन को दुरुस्त रखना गलत लोगों से जब मुलाकात हो जाए तो तलीक़ा मंदी के साथ निकल जाना वहाँ से संजीदा गुफ्तगू करना इल्मी गुफ्तगू करना कतल नफ्स का अरत नहीं नहीं करना जना नहीं करना अतदाल की ज़िंदगी बसर करना यह बहुत ही शानदार तस्वीर है जो मुसलमानों की पेश की गई हज़रा उसके बाद दूसरी सूरत है इस ग्रुप में व है सूरह श्रा इसमें बताया गया कि नबौत का काम एक इस्लाही काम है हमारे माहौल में नबवी काम नबीवी काम और अम्बिया का काम इसका चर्चा है लेकिन नबवी काम क्या है नबियों वाला काम क्या है इसका आइडिया अगर कहीं मिल सकता है तो कुरान में मिल सकता है किसी और की बात लायक एन नहीं है नबवी काम क्या होता है नबियों वाला काम क्या होता है किसी की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता कुरान पर भरोसा कीजिए कि नबियों वाला काम क्या होता है अल्लाह तबरक तआला ने सूरह शरा के अंदर नबियों वाला काम बताया और बताया कि ये जो है मिशन प्रॉफिट्स का क्या होता है एक इस्लाही कारनामा होता है इसकी शुरुआत हरूफ मुकताज से और उसके बाद बताया गया कि ये किताबें मुबीन की आयतें हैं और नबी वसल्लम को कहा गया कि आप गमगीन ना हो लोग ईमान नहीं ले आते तो आप कुरे नहीं अल्लाह जो ख़ज़ाना भेजा है वो काफ़ी है लोगों को समझाने के लिए आप कोई नशानी नहीं लाते लोगों का मुतालबा है कि आप आसमान से कोई नशानी क्यों नहीं ले आते ये सब सवालात वो करने लगे तो अल्लाह तबरक तआला ने नबियों के किस्से बयान किए और बताया कि नबी का काम क्या होता है हर नबी के काम के दो जुज़ हैं एक उसकी बुनियादी दावत है और एक उसके कॉन्टम्प्ररी इशू के साथ इंटरवेंशन है अच्छी तरह से समझ लीजिए बुनियादी दावत में तोहद की दावत रिसालत की दावत आखिरत की दावत अखलाक की दावत और इंसानों के दरमियान मसाव की दावत अदलानसाफ़ की दावत ये बुनियादी बातें हैं और दूसरा कॉन्टम्प्ररी इशू हर कौम के अंदर कोई मसला था उस मसले में नबी इंटरवीन करता है इसमें जिन नबियों का तस्करा आया उनमें से सबसे पहले हज़रत मूसा का ज़िक्र आया उसमें अल्लाह ताला ने तदी में मूसा को बुलाया नबूत से सरफराज किया आपने बताया कि हारून को भी मेरा वज़ीर बना दे अल्लाह ताला ने उन्हें कबूल कर लिया उसके बाद बताया किर अब मैं कैसे जाऊँ जबकि मुझ पर एक बार गुनाह है यानी हज़रत मूसा सलाम ने एक किबती को मारा था तो वहीं ढेर होकर मर गया था अब मैं नबूत लेकर जाऊँ तो लोग पूछें तो क्या मैं जवाब दूँ जब गए फिरौन के दरबार में गुतगु की तो हज़रत मैंने आपको सूरतवाह में बताया कि कम्युनिकेशन का स्किल कैसे सीखें इस सूरत के अंदर भी एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और फिरौन और मूसा फिरौन और मूसा इन दोनों के मुकालमे को लिखते जाइए अब देखिए कि, कि कम्युनिकेशन के स्किल कैसे है जब हज़रत मूसा आल्लाम वहाँ गए दावत लेकर तो उसने कहा कि तुम दावत लेकर आए हो मेरे पास जबकि तुम पर एक इल्ज़ाम है कि तुमने कत्ल किया है हमारे एक आदमी को सलाम ने कहा कि वो उस वक्त की बात है जब मैं नबी नहीं था जब मेरे पास रास्ता नहीं था अब मैं नबी बनकर आया हूँ अब मैं एक रोशनी के साथ तुम्हारे दरबार में आया हूँ और तुम्हें रहनुमाई कर रहा हूँ दूसरी बात उन्होंने कही कि बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे इसकी ताबीर में बहुत से लोगों ने यह समझा कि वह आज़ादी की तहरीक थी नहीं ये था कि बनी इसराइल को अपने मजहबी इजतमा की आज़ादी नहीं थी जुमा है ईदिन है उनके इजतमात हैं इन सब की आज़ादी नहीं थी कहा कि बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की आज़ादी दे का मतलब ये है कि वो जो मजहबी रसूम हैं इबादतें हैं उसमें लोगों को जमा कर सके इसकी आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए उसने पूछा मैंने तुझे पाला और पोसा और मेरे दरबार में मेरे भाई की तरह तू पला बड़ा और अब तू मुझसे मुतालबा कर रहा है तो मूसा ने कहा कि इसका थोड़ी ये मतलब है कि मैं तुम्हारे महल में पलूँ तो मेरी पूरी कौम को तुम ग़ुला बना लो ये कहाँ से दलील तुमको मिल गई फिर उसके बाद उसने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है तो हजरत मूसा सलाम ने जवाब दिया कहा जी सुनते हो देखो तुम्हारा आदमी कैसे है दीवाना है मजनून है हज़रत मूसा सलाम फिर अपनी गुफ्तगु जारी रखते हैं यानी जब आप पर इल्जाम लगे आपको छेड़ा जाए तो उस पर जवाब देने रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आदमी उस पर से सलीके से गुजर जाए और अपने मौजू पर टिका रहे उसके बाद आखिर हुआ ये कि अल्लाह तबरक ने को डुबो दिया और हज़रत मूलम और उनकी कौम को नजात दी ये अपने ज़माने के डिक्टेटरशिप का जो प्रॉब्लम था ऑटोक्रैटिक जो रूल था इसके खिलाफ हज़रत मूसी खड़े हो गए और नबबी काम का यह हिस्सा है कि तोहद रसालत आखिरत की दावत के साथ निज़ाम ममलिकत में अदलह और इंसाफ हो और, और निज़ाम ममलिकत के अंदर अतदाल हो और कहीं ऑटोक्रेसी न हो और कहीं एक आदमी के पास सारे इकतदार की कुवत जमा ना हो जाए इसके खिलाफ आपने दावत उठाई उसके बाद नंबर दो हज़रत इब्राहीम का जिक्र आया हज़रत इब्राहिम ने जब दावत दी तो उनकी कौम ने इनकार कर दिया तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम के ज़माने का जो सबसे बड़ा इश्यू था वो है बुत परस्ती का तो आपने बुत परस्ती के ख़िलाफ़ दावत दी लोगों को बताया कि ये बुध तुम्हारा भला नहीं करते ये तुम्हें नफा और नुकसान नहीं पहुँचाते इनके खुदा वाद जो सबका पैदा करने वाला है उसकी तरफ रजू करो अलदी कल वो जिसने मुझे पैदा किया वाहन और वही मेरी हिदायत करता है वल हुआ युत अमुनी व यस्तन वो परवरदिगार है जो मुझे खिलाता भी है जो मुझे पिलाता भी है वाइदा मरीज तो फशफीन जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो शिफा वही खुदा देता है खुदा का तारुफ कराया वह वो, वो पैदा करता है वो रास्ता दिखाता है वो खिलाता है वो पिलाता है वो जिंदगी की राह आसान करता है और ये बताया कि जब मौत वाकई हो जाएगी तो उसके बाद फिर वही ज़िंदगी अता करेगा और उसी रब से मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मक़फ़रत फरमाएगा हिसाब के दिन अय परिगार मुझे क़वत फ़ैसला अता फ़रमा और नेक लोगों में, में मेरा शुमार फरमा हज़रा उसके बाद दुआ का ये टुकड़ा बहुत इम्पॉटेंट है आप इसे याद कर लीजिए वजाली ली लिसाना सिदिन फ़िल आखिरीन परवरदिगार मेरे जाने के बाद दुनिया में लोगों की ज़ुबानों पर मेरा जिक्र खैर जारी फरमा। हम जब लोगों के दरमियान ना हों लोग हमको याद करें तो अच्छे नाम से याद करें अच्छे टाइटल से याद करें लोग हमारी खिदमत का एतराफ़ करें ये नबी की ख्वाहिश थी और एक मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारा कहीं जिक्र हो तो अच्छा ज़िक्र हो उसके लिए हमें वैसे बनना पड़ेगा और अल्लाह से दुआ करनी पड़ेगी कि हमारे ओयूब पर अल्लाह ताला पर्दा पोशी कर दे अल्लाह ताला हमारी कमजोरियों पर, पर पर्दा डाल दे और हमारे अच्छे पहलू लोगों के सामने उजागर कर दे ये वही कर सकता है दिलों में मोहब्बत वही डालता है इज्जत तो और अहतराम लोगों के लिए वही पैदा करता है तो ये दुआ करनी चाहिए परवरदिगार मेरा नाम जब लोग लें तो ज़िक्र ख़ैर हो लोगों की ज़ुबान पर ये दुआ का आखिरी हिस्सा बहुत इम्पॉटेंट है और कहा कि मुझे जन्नत नईम का वारिस बना और मुझे भी और मेरे बाप को भी माफ़ फरमा वो गुमराहों में से था और मुझे क़्यामत के दिन मग़मूम न फरमा जिस दिन न माल काम आएगा न दौलत काम आएगी इल्ला मन अतल बलबिन सलीम हज़रा कल्ब सलीम लेकर जो लोग वापस लौटेंगे उन्हीं के लिए ना जाते ये दिल सलामती वाला दिल हो की न तोज़ी इसके अंदर बग्स नफ़रतें अदावतें दूरियां ये सब लेकर कोई आदमी दिल जाएगा तो वो दिल पाश पाश है सालम दिल इंटैक्ट हार्ट लेकर जो बंदा जाएगा खुदा के ज़ूर उसकी मखफ़रत होगी हज़रत इब्राहीम की दावत का जो मोस्ट इम्पॉटेंट हिस्सा है वो बुनियादी बातों के साथ साथ उन्होंने अपने ज़माने का जो बड़ा इश्यू था आइडल वर्शिप उसके खिलाफ बात की नंबर तीन हज़रत नूसम का ज़माना उसमें कास्ट सिस्टम था इंसानों के दरमियान ना बराबरी थी हजरत नूसल को लोग कहते थे आप साथ लो लो आपके साथ जो लोग हैं वो आरजिल हैं समाज का लोअर तबका है लोअर कास्ट के लोग आपके साथ हैं और हम जो है अपर कम्यूनिटी के हैं अपर कास्ट के हैं हायर क्लास के हैं ये जाम था तो मालूम होता है कि हज़रत नाम का ज़माना आते आते कौम के अंदर ऊंच नीच का तस्वुर पाया जाता था हज़रत नाम की दावत का एक बड़ा हिस्सा ये भी था कि इंसानों के दरमियान ऊंच नीच को रवा नहीं रखा जा सकता सब इंसान बराबर हैं सब आदम के औलाद हैं ये नबियों वाले काम का हिस्सा है कि जहां जिस मुल्क में इंसानों के दरमियान तकसीम किया जाता हो बड़े और छोटे माने जाते हो लोगों को अछूत बना दिया जाता हो अनटचेबल्स बना दिया जाता हो वहाँ इसके खिलाफ आवाज उठाना नबियों वाला काम है अगर हमने इसे फरामोश कर दिया तो कुरान की रोशनी में वो हमारा काम सही मानों में नबी वाला काम नहीं है बुनियादी दावत के साथ वक्त के बर्निंग इश्यूज़ को उठाना पड़ेगा चौथे नंबर पर हजरत हूद का जिक्र आया कौम आद के दरमियान वो आए कौम आद को जो सरकशी थी उसकी बुनियादी वजह कि अल्लाह ताला ने मालो दौलत की फराहमानी अदा की थी और बेकार के बड़े बड़े सिंबॉलिक तौर पर बिल्डिंग्स बना देते थे पहाड़ों के ऊपर किसी के काम आए न आए अलीशान इमारतें अली पैलेसेस बिल्डिंग्स ऊंची से ऊंची बनाना उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी रही होगी उसमें बिल्डिंग को टॉलेस बनाने की स्काई स्क्रैपर जिसे आज के जमाने में हम कहते हैं उसकी शायद दौड़ लगी हुई थी हजरत खुद सलाम ने जहां उनको बुनियादी दावत दी वहां कहा कि क्या काम करते हो क्या ये तुमको आखिरत में काम आने वाले हैं क्या दौलत का यही मसरफ है क्या जिंदगी का यही मसरब है अपने जमाने का जो कैपिटलिस्टिक एटीट्यूड था एक्स्ट्रा वैगनजा था नाम नुमाइश शान शौकत के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाना दौलत का बेजा खर्च करना और इशराफ़ करना इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई समूद के दरमियान हजरत सलाम आए ये पांचवें नबी हैं जिनका तस्करा आया और उनकी कौम का एक बड़ा इश्यू था और वो था एरोगेंट लीडर्स उनके यहाँ जो क़ियादत थी वो मोस्ट एरोगेंट थी जबरूत वाली क्यादत थी फॉल्टी लीडरशिप थी और नबी का काम यह होता है कि बुनियादी दावत के साथ वो कहता है कि मेरे इतबा करो मेरे पास खुदा की वही आती है और मैं तुमको सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में अगर कामयाबी मजमिर है तो मेरे रास्ते में है मेरे इतबा करो लीडरशिप का क्लैश था और अल्लाह ताला ने उस शखी को बदबक को भी मार दिया और उस कौम को भी ख़त्म कर दिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचकर निकल गए उसके बाद अलैहिस्सलाम का तस्करा आया उनकी दावत के साथ साथ उस जमाने का जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू था वो होमोसेक्सुअलिटी का इश्यू था उस कौम के लोगों का प्रॉब्लम ये था कि वो अपनी शहमत औरतों से पूरी करने के बजाय मर्द से पूरी करना चाहते थे ये एक बहुत बड़ा मर्ज है कौम की तबाही का ये जरिया होता है अल्लाह ताली ने जो दो सिंह पैदा किए दो जेंडर पैदा किए उसकी बड़ी हमतें हैं और अल्लाह ताली ने जो जिनसी लज्जत रखी है उसके साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रखी है लेकिन जब लोग सिर्फ़ उससे लज्जत आश ना हो और उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करना ना चाहें तो कौम बुझ जाती है कौम खत्म हो जाती है लूतम ने इसको इश्यू बनाया और इसके खिलाफ काम किया हज़रत शाहिएब का ज़माना उसका तस्करा अल्लाह ने किया आखिर में और बताया कि इस कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि एक्नॉमिक करप्शन था लूट खसोट था इनके पास आज के ज़माने में भी आप देखेंगे कि मीशत की बुनियाद गलत चीज़ों पर रखी गई सूद वो खुद एक एक्सप्लाइटेशन है या आज की दुनिया में बैंकिंग का सिस्टम है इंश्योरेंस का सिस्टम है या आज के ज़माने में वॉर इंडस्ट्री है या बाज़ लोग कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इंडस्ट्री जहाँ उसमें से फ़ायदे की चीज़ें हैं वहाँ एक्सप्लाइटेशन भी है वहाँ नारवा तरीके से लोगों से पैसे भी कमाया जाता है नबभी काम यह है कि ज़माने के इन तमाम ईवल्स के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए इस करप्शन को सीधा करना इस करप्शन को दुरुस्त करना यह नबी काम है तो इस तरह से अल्लाह तबरको तआला ने बताया कि नबूवत का काम एक इस्लाही काम है इसमें खास बात है नविदा का आया इसमें बड़ी निशानी है गौर फ़िक्र करने वालों के लिए यानी ये जो गौरव फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के ज़माने में आपका क्या रियल बर्निंग इश्यू है क्या संगीन मसला है और किस के खिलाफ आपको काम करना है और अल्लाह के भरोसे पर यह काम करना है और वजाहिदम भी जिहादन कबीरा कुरान की रौश में ये काम करना है और इंसानों को बताना है कि ये सब काम तुम्हारी फितरत के ख़िलाफ़ के आवाज़ के ख़िलाफ़ है और सही चीज़ ये है कि अल्लाह की रहनमाई में आ जाओ आखिर में बताया गया कि नबी सल्ला वसम पर जो एतराज़ा थे, रसूलों पर जो एतराज होते हैं उनमें से एक शायर होने का है तो बताया कि शायर कौन होते हैं वो लपाटी होते हैं वो ना हिंजारो ना बेकार लोग होते हैं वह लाफजनी करने वाले दरोख गोई करने वाले झूठी बात करने वाले और झूठी शान लोगों की बयान करने वाले होते हैं मस्करे होते हैं बे होते हैं उनके पास कोई मौजू एक मौजू नहीं होता वह हर मौजू पर बात करते हैं और हसन और इश्क इससे बड़ी दिलचस्पियां होती हैं रसूल क्या शायर है क्या रसूल बेमकसद ज़िंदगी करता है क्या रसूल लाफजनी करता है क्या रसूल हसन की और इश्क़ की बातें करता है क्या रसूल कभी इधर कभी उधर की बातें करता है क्या रसूल अखलाकी बंदिशों से आज़ाद होने की तालीम देता है रसूल को देखो उस, उसके कलाम को देखो हाँ शायरों पर जो तबसरा किया गया अल्दीन आमनों मैंने बारह बताया या जब अल्लाह ताला इंसान पर कमेंट करता है या शायरों पर या किसी प्रोफेशन पर तो अल्ल दिन अमन दीना वो एक्सेप्शन है कि ईमान लाने के बाद इंसानी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाती है उसके अंदर मेच्योरिटी आती है उसके अंदर संजीदगी आती है उसकी ज़िंदगी के अंदर पर्पज़ आ जाता है जिसके पास ईमान नहीं हो पर्पज़ लेक ज़िंदगी बसर करता है तो शायरों पर अल्लाह ताला ने कमेंट किया उन पर तो शैतान नाजिल होते हैं रसूल पर तो फरिश्ता आता है उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप अपने रिश्तेदारों को डराइए और अपनी रहमत के पर आप अपने साथियों पर बिछाए रखिए इस पर यह बहुत शानदार प्यारी सूरत खत्म होती है जिसमें हमें बताया गया कि नबूवत का काम एक इस्लाही काम है आखिर में सूरह नमल ये सूरत इसमें बताया गया कि रसूलों की वैरायटी अलग अलग है अब आप देखिए कि कैसे कैसे वाइटी इसका ज़िक्र आया सूर् नमल की शुरुआत होती है ये भी हरूफ मुक़ात से फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें हिदायत है और बशारत है मोमिनों के लिए जो नमाज़ कायम करते हैं जक़ात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं और उसके बाद अल्लाह तआला ने तबरको तजरत मूसीम का तस्करा शुरू फरमाया और बताया कि हज़रत मूसा की दावत मुख्तसर बयान की गई है उसमें से तीन सबक मिलते हैं पहला सबक यह है कि इससे पहले भी नबियों को वही दी गई जैसा कि आपको दी गई है मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही से सरफराज फरमाया दूसरा ये कि मौजे का मुतालबा तो लोग करते हैं लेकिन इससे पहले भी मुजज़ा लेकर हजरत मूसा आए मोजों को देखने के बावजूद भी अंधे बहरे जो लोग बन गए उसके बाद उनका किस्सा तमाम कर दिया गया नंबर तीन ये है कि मुफ़दीन को अल्लाह ताला फौरन नहीं पकड़ता वक्त देता है रसूल तरह तरह से समझाता है पैमाइश करता है इंज़ार करता है बशारत देता है तब कौम नहीं मानती तो फिर अल्लाह ताला उनको खींच लेता है पकड़ लेता है जब अल्लाह ताला अज़ाब के शिकंजे में कसता है तो फिर उससे बचने का कोई यारा नहीं होता ये तीन बातें हजरत मूसीम की दावत से समझ में आती है उसके बाद नबूवत का काम क्या है इससे क्या पता चला इससे पता चला कि नबूवत के काम में जाबिरों से टकरा जाना भी शामिल है जाबिरों से बचकर चलना या हुकुमरानों की चापलूसी करना या उनके सुर में बीन बजाना उनके आगे घुटने टेक देना उनकी पॉलिसियों के साथ चलना जिससे मफादात की हिफाजत होती है ये अंबिया का शेवा नहीं रहा हक और बातिल एक तमीज़ करने वाली चीज़ है। क्राइटेरिया ने इसकी बुनियाद पर वो लोगों के साथ मामला करते थे नबूत के साथ कभी कभी हुकूमत भी मिलती है यह है वैरायटी। हजरत मूसा को देखिए नबूत उनकी ऐसी है कि हुकूमत से टकरा गए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सलेम को देखिए नबूत के साथ हुकूत उनके कदम में आ गई वो दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान साबित हुए हजरत सुलेमान सलैम की दुआ तो यह थी कि परवरदिगार मुझे जो हुकूमत दे क़यामत तक ऐसी हुकूमत किसी को ना दे आपकी हुकूमत हवाओं पर थी आप परिंदों से बोलते थे चरंदों से बात करते थे सबसे जन्नत से काम लेते थे यह है वैरायटी कभी आपको इख्तदार से टक्कर लेनी पड़ती है और कभी इख्तदार पर फायज होना पड़ता है हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां सिखाई जन्नत के लश्कर अता किए परिंदे उनसे बात करते थे और उनसे काम लेते थे एक दिन परेड कर रहे थे और देखा परेड के दौरान कि चूंटियाँ जा रही हैं और उनमें से सरदार ने कहा कि जल्दी जल्दी छुप जाओ सुलेमान की फौज आ रही है कहीं वो हमें रौन न डालें बिलों में जब घुसने लगी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों को सुन लिया और मुस्कुरा दिए क्यों मुस्कुराए मुस्कुरा इसलिए दिए कि हज़रत अलैहिस्सलाम का इमेज चूंटी के पास भी ये है कि ये इंसाफ पसंद और मखलूक की भलाई का काम करने वाले अलबत् गलती से व रोन दें हम चूँकि वादी के बीच में हैं तो जल्दी से जो है छुप जाने की तालीम उनकी सरदार ने दी कहा रब्बी अवज़ीअनी अश्कुर एमत क्लती अलैया व अला वालिदैया बड़ी प्यारी दुआ है हज़रत सुलेमान सलाम की परवरदिगार जब मैं ये नेमतें देखता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि नेमतों को पाकर अकड़ पैदा हो जाए मुझे संभाल मुझे खींच कर पकड़ मुझे परवरदिगार संभाल ताकि मैं शुक्र अदा करूँ इन नेमतों का किसी को दौलत मिली तो इंसान गर्दन अकड़ा लेता है किसी को मनसब मिले तो इंसान की आवाज़ में सख्ती पैदा हो जाती है किसी को हुसन मिले तो उसकी चाल से पहचान सकते हैं कि कितना गुरूर हजरत सुलेमान कहते हैं जो नेमतें है, च्यूंटी की बात को समझ लेना परिंदों से बात कर लेना क्या कोई मामूली नेमत है कहा परवरदिगार मुझे संभाल उन नेमतों पर जो तूने मुझे दी मेरे बाप को दी और आगे उन्होंने दुआ में कहा कि परवरदिगार मेरे बच्चों को भी ठीक रास्ते पर रख ये दुआ आपने फरमाई व आतकिलनी बिरहति का फी इबादी का सालीन और नेक बंदों में तेरी रहमत के साथ हमारा शुमार फरमा उसके बाद हद हद का वाक़ आता है हद हद गया और आकर उसने बताया कि कौम पर से मेरा गुजर हुआ जहां मैंने देखा कि लोग सूरज की पूजा करते हैं वो सबा थी तो आकर बताया तो सुलेमान सलामान ने कहा जाओ ये ख़त उसके पास पहुंचाओ खत पहुंचाया गया और कहा गया कि मेरे पास हाज़िर हो जाओ सबा ने पार्लियामेंट को तलब किया और अपने ज़िम्मेदारों से पूछा कि क्या करना चाहिए जब भी कोई बादशाह अगर वो चाहे बस्ती में दाखिल होता है तो बड़ी तबाही मचा देता है तो लोगों ने मशवरा दिया कि इनाम और तोहफे भेजे जाएँ तो सबा ने अपने मिनिस्टर्स के ज़रिए

मलिका सबा उसका तख्त कौन उठा कर लाएगा तो एक जिन था उसने कहा कि मैं जो है आप इस मजलिस से उठने से पहले ले आऊँगा उनमें से एक साहब इल्म आदमी था इस पर बहस से गुफ्तु है कि तौरात का जानने वाला कोई मजहबी आदमी था उसके पास कोई ऐसी कुत थी उसने कहा अय समानसलाम आपके पलक झपकने के अंदर मैं उसे हाज़िर कर दूंगा लाकर हाजिर कर दिया मलिका सभा आई और देखा और उसको ऊपर से गुजारा हाउस पर से तो अपने टखने या अपने पैंचे उसने उठा लिए पानी समझ कर हालांकि उस पर शीशा बिछा हुआ था और अर्श को देखकर कुर्सी को देखकर पूछा सुलेमान ने कि क्या यह तुम्हारा है वो देखकर कहने लगे हाँ ये तो मेरा ही है तो तख्त को पहुंचा दिया वहां हजरत सलेमानसलाम ने तो यह है कि उसके बाद हजरत सलाम की कौम का भी तस्करा आया तो इसमें एक बात ये समझ लीजिए कि रसूल की जो ज़िंदगियां हैं वो ज़िंदगी में बड़ी वराइटीज़ हैं काम में बड़ी वराइटीज़ हैं मोमिनों को अपने हालात के लिहाज से मॉडल्स को मंतख करना पड़ेगा इस पारे के अख्ताम में हज़रतलम और हज़रत लूतम का तस्करा आया दोनों की कौमों का जो अंजाम हुआ उसका जिक्र आया हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम तुमको मुल्क बदर कर देंगे लेकिन हुआ ये कि वह खुद अपने मुल्क में ख़स्स व खाशाक की तरह ढेर बनकर रह गए और बुझ गए और हजरत साल को उनकी कौम ने कहा कि हम तुमको बदशगुन समझते हैं लेकिन वो खुशकस्मत थे कि निकल गए और उनकी पूरी कौम को अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया इससे मालूम होता है कि दाई पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उसके बारे में फ़िक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम हक़ पर हैं हम सही रास्ते पर ही काम करते रहें और लोगों की ये सारे इल्ज़ाम तराशियों को सुनी अनसुनी कर दें अंजाम क़ार बहरहाल अल्लाह ताली के नेक बंदू ही के लिए होता है अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताली हमें उन सूरतों को कमाको समझने की तोफ़ीक़ा फरमाए आमीन